हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले एमसीए सीईटी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो अरिथमेटिक में अगर आप देखेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ये टॉपिक सब आते हैं इसमें। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम वर्क, डिस्टेंस स्पीड एंड परसेंटेज। तो आज इस वीडियो में हम बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करने वाले हैं, और अगला इसका जो पार्ट टू वीडियो आने वाला है जिसमें हम प्रॉब्लम ऑन टाइम वर्क, डिस्टेंस, उसके बाद परसेंटेज, ये तीनों टॉपिक्स उसमें कवर करने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम उसको एक वीडियो में इसको बना रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी तीन टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम रेशियो के साथ स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रोपोर्शन पे जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, रेशियो के लिए ये सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। रेशियो में आता है आपका इनवर्स रेशियो, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रेशियो हम देखने वाले हैं, उसके बाद रेशियो के बारे में कुछ क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू हुआ है। ठीक है, अभी रेशियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, अच्छे से देखिए। ठीक है, आपको पढ़ाई करने के लिए या बाद में नोट्स रेफर करने के लिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ, देखो ध्यान दो, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, दो और दो से ज्यादा क्वांटिटीज का कंपेरिजन किया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है उन्होंने, कंपेरिजन। ठीक है, और इट्स अ काइंड ऑफ सेम डिविजन है, मतलब रेशियो ले रहे हो, लाइक जैसे आप 3:4 लिखते हो तो अपॉन 3/4 ही ऐसे भी आप लिख सकते हो। 3:4 को आप कैसे लिख सकते हो, 3/4, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पे। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी है, देखो रिमार्क्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कि बोथ टर्म्स ए द बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स। मतलब अगर कोई रेशियो आपका 3/4, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, 15/20। तो 3/4 रेशियो इज नॉट अ डिफरेंट देन 15/20। आप 15/20 लिख रहे हो या 3/4 लिख रहे हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया, देखो 12:16, तो उसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। ऊपर नीचे 4/4 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, वापस 3/4 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो 12:16 कैन बी रिटन एज अ 3/4, और 3/4 कैन बी रिटन एज अ 12/16। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ अ रेशियो और ऑर्डर ऑफ द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स 3/4 या 3:4 इज नॉट इक्वल्स टू 4:3। 3:4 और 4:3 सेम नहीं होते, दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद द रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप दो चीज़ें, जो दो थिंग्स का या ऑब्जेक्ट मतलब क्वांटिटीज का आप रेशियो ले रहे हो, उनका जो दो क्वांटिटीज जो गिवन है आपको, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए मतलब मान लो एक वेट है या मास है, तो वेट केजी में मेजर किया जाता है। ठीक है, और दूसरा एज है, तो एज एयर्स में या मंथ में मेजर किया जाता है। तो वेट एंड एज का रेशियो नहीं ले सकते आप दो दो पर्सन है उनके वेट का रेशियो ले सकते हो, और दो पर्सन के एज का रेशियो ले सकते हो। मतलब एक पर्सन का वेट और अनदर पर्सन का एज, ये रेशियो अलाउड नहीं है, ये ले ही नहीं सकते आप। ठीक है, कंपेरिजन करने के लिए जो क्वांटिटीज वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो गिवन क्वांटिटीज वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम काइंड की बात की उन्होंने, अनदर थिंग। अभी एक चीज़ तो क्या होगा कि दोनों सेम काइंड के होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, सेम काइंड। अभी चलो सेम काइंड भी है, पर उसके बाद भी दो और एक चीज़ आ जाती है कि वेट में देखो हम किलोग्राम भी ले सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं, दिस आर द यूनिट्स। ठीक है, किलोग्राम एंड ग्राम क्या उसके यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो सेम काइंड होनी चाहिए, और सेकंड चीज़ क्या आ गई आपकी, तो उनका यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर किलोग्राम है तो दोनों किलोग्राम में कर लो, या ग्राम है तो दोनों ग्राम में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी द सेम। ऐसा नहीं होता कि आप किलोग्राम में लोगे तो आंसर अलग आएगा, ग्राम में लोग किलोग्राम में अलग आएगा, ग्राम में अलग आएगा, ऐसा नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया, देखो द रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2000 ग्राम, तो कितना आ जाता है वो, 3:150/2000, तो सॉल्व करके कि रहा है कितना आ रहा है आपका, 3/40 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3/40। तो ये चीज़ होती है, तो ये देख लीजिए सब रेशियो में, ये क्वांटिटी मतलब ये सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो में सेम काइंड होना चाहिए एंड यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे बात करते, देखो यहाँ पे सिंपल सी वापस एक डेफिनेशन दे दी है, जो फ्रैक्शन होता है एक्स अपॉन वाई, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स एक्स एस टू वाई, एक्स एस टू वाई। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अभी अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस और व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। तो डुप्लीकेट रेशियो में देखो, अगर आपको एक्स एस टू वाई दिया है, एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है, तो उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एज ए एग्जाम्पल देखो, 3/4 दिया हुआ है, तो उसका डुप्लीकेट रेशियो जो आएगा सीधा सीधा क्या होगा, 9/16, दैट इज 3 स्क्वायर अपॉन 4
फोर स्क्वायर, इतना सिंपल सा है। सब डुप्लीकेट में क्या, जैसे देखो डुप्लीकेट में हम स्क्वायर कर रहे हैं, सब डुप्लीकेट में क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे देखो आपको कोई रेशियो दिया हुआ है 25/64, तो आपका उसका सब डुप्लीकेट हो जाएगा 5/8। 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, ठीक है। ट्रिप्लीकेट की बात समझ में आई होगा आपको, जैसे डुप्लीकेट में हम स्क्वायर कर रहे हैं, ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे। तो जैसे आपका 2:3 है, तो उसका क्यूब करके कितना हो जाएगा, 2³/3। तो ये हो रहा है आपका 8/27। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 इज 8/27, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी उसके बाद उन्होंने सब ट्रिप्लीकेट बोला हुआ है, इसमें भी आपको समझ में आया होगा कि सब ट्रिप्लीकेट में हम क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। क्यूब रूट मतलब उसका थर्ड रूट, 1/3 रूट लेंगे, ठीक है, 1/3 रूट ऑफ अ गिवन क्वांटिटीज। तो एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ आप 27/64 ही लिख देते, तो 27 इज अ का रेस्ट टू पावर 1/3 हो जाएगा, और 64 का रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा, 1/3। तो 27 का रेस्ट टू पावर 1/3 आता है 3, और 64 का 1/3 आता है 4। तो उसका सब ट्रिप्लीकेट क्या मिला आपको, 3/4। सब ट्रिप्लीकेट के बाद बात करते हैं हम कंपाउंड रेशियो के, ठीक है। कंपाउंड रेशियो मतलब क्या है, सिंपल उन्होंने बताया कि अगर मुझे तीन रेशियो दिया है ऐसे कुछ, ठीक है, या दो या तीन, जो भी, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे a/x, दूसरा रेशियो दिया है b/y एंड c/z। तो उसका कंपाउंड रेशियो उन्होंने बोला है कि जो न्यूमरेटर्स हैं और ये क्या है, डिनोमेटर्स। तो सीधा उनका क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, abc:xyz, ठीक है, ये आ जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो। और लास्ट में आया आपका इन्वर्स रेशियो, ठीक है। इन्वर्स में तो आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा कि अगर मेरा a:b है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, b:a, ठीक है। तो अभी आता कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि तीन टर्म्स आते, दो टर्म्स में तो ठीक है, ईजी है, लिखना भी ईजी है, जब तीन टर्म्स आते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं यही बता रहा हूँ कि देखो अगर a:b रेशियो दिया है तो इन्वर्स मतलब क्या लिखते हैं, हम हर एक टर्म का इन्वर्स लिखते हैं, मतलब a का इन्वर्स 1/a हो जाएगा और b का इन्वर्स 1/b हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, b/a आ रहा है, दैट्स व्हाई ये क्या हुआ, b:a हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, जब क्वेश्चन आएंगे इसके तब बात करेंगे वापस। क्वेश्चन दिया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1:3 ऐसे लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 1/2 2x, ठीक है। ये टर्म आपको पता होगा, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेशियो के टर्म में या डिवाइड में कैसे लिखा जाता है, किसी को पता है, ठीक है। देखो ये जो होता है ना 1/2/3, इसमें जो 1 होता है आपका क्वोशेंट होता है, 1 क्या होता है आपका क्वोशेंट, 3 जो होता है आपका डिवाइजर होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलाते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, और ये 2 जो होता है आपका रिमाइंडर होता है, क्या होता है, रिमाइंडर। तो ये लिखा जाता है, देखो दिस इंटू दिस, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, 1/3 प्लस रिमाइंडर उसमें ऐड करके डिवाइड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5/3। और एक एग्जांपल बोलना है तो देखो 2 3/4 अगर लिखा है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 into 2 is 8 plus 3, तो 11/4 हो जाएगा, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो इस केस में भी हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी इस केस में भी उसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो क्या हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई करके, ये 1/3 वैसे ही है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वहाँ पे, 5/3/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू 5/3 × 3, तो 3 गेट कैंसिल, तो एक्स इक्वल्स टू कितना मिला आपको, 5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, a:b दिया आपको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको a:b दिया हुआ है, 7:5 या 7/5, एंड आपको क्या गिवन है, b:c गिवन है, इज इक्वल टू कितना आएगा, 9/11। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको a:b:c निकालना है, ठीक है। देखो अगर मैं सिंपली आप एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, a:b इज मान लो 3:5 एंड आपका b:c जो है इज 5:4 है, और इस केस में अगर मैं आपको a:b:c पूछता हूँ, आप तुरंत आंसर बोल दोगे कि a:b:c जो होगा आपका सर 3:5:4 होना चाहिए, ठीक है। आपको तुरंत आंसर दिख भी जाएगा, आप बोल भी दोगे, ऐसा क्यों हुआ, कैसे बोल दिया आपने, यहाँ पे जो 5 था वो दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे जो 5 का टर्म था दोनों जगह क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए आपने बोल दिया। बट इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, जो कि सेम नहीं है, विच मीन्स ये दोनों टर्म्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सेम करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखा था रेशियो में आप सेम टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। तो मेरा a:b जो हुआ अभी क्या आ रहा है आपका, 7×9=63 / 45, और मेरा b:c कितना हो रहा है,
यहाँ पे आ रहा है 45 और यहाँ पे आ रहा है 55, ठीक है ना। 9 5 जा 45 और 55 मिल गए दोनों सेम, तो इससे क्या हो जाएगा, ए इज टू बी इज टू कितना आएगा फिर, 63:45:55। क्लियर है, जो कि ऑप्शन आपका आ रहा है, आई थिंक बी आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आगे चलते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा है, द इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:1 पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ आपको, इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:1। तो इस केस में क्या हो रहा है देखो, अभी बहुत बच्चे गलती क्या कर देंगे, सीधा सीधा 1:2:3 लिख देंगे। इनवर्स है उनको मतलब ये लगता है कि उल्टा लिख देना है बस, ऐसी चीज़ नहीं है। हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था कि अगर मैं ए टू बी लिख रहा हूँ उसका इनवर्स में मैं 1/a एंड 1/b लिखता हूँ, तो इस केस में भी 3 का 1/a हो जाएगा, 3 का इनवर्स हो जाएगा 1/3, 2 का हो जाएगा 1/2 और 1 का हो जाएगा 1/1, ठीक है। वो तो 1 ही होता है बट 1/1 लिख देंगे। तो इसको अगर अभी हमने एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम निकाल के दैट इज 6, एलसीएम इस केस में कितना है 6 है, और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 2:3:6। ये क्या बना आपका इनवर्स, जो कि ऑप्शन आपको डी गिवन है। ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग, ऑप्शन ए क्या आपका रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आ रहा है। आगे चलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 की बात कर रहे हैं। ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सीधा क्या लिख दो, 9/16, ठीक है। बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए इसलिए क्वेश्चन रखे हुए हैं 9/16। अगले क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट। इसमें ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा हुआ है, तो ट्रिप्लीकेट हमें भी बताया उसका क्यूब लेना है, तो 1:2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 1:8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रपोर्शंस, ठीक है। तो प्रपोर्शंस की बात करते हैं, तो प्रपोर्शन पहले क्या होता है वो देखते हैं, कि प्रपोर्शन इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियो आपको अगर दिए हैं, एक रेशियो ए एस टू बी दिया है और दूसरा रेशियो 4:5 दिया हुआ है, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर रहा हूँ तो ए एस टू बी इक्वल टू क्या हुआ आपका, 4:5 हुआ, ठीक है। तो इसी को क्या बुलाते हैं, प्रपोर्शंस। तो प्रपोर्शन कुछ डिफरेंट नहीं है, इस सेम एज अ रेशियो ही होता है, बट उनका क्या यहाँ पे इक्वालिटी है। तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए एस टू बी एस टू एक्स एस टू वाई, ठीक है। इधर इक्वल का साइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ऐसे, ठीक है ना, या चार डॉट लिखते हैं ऐसे, चार डॉट, वेयर ए बी एक्स वाई आर सेड टू बी प्रपोर्शंस। वो चारों किस में बोलते हैं, प्रपोर्शंस में बोलते हैं। उसमें जो टर्म्स हैं ए बी एंड एक्स वाई जो है, उसमें से जो ए एंड वाई यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्या आपका, एक्स अपॉन वाई। तो ए एंड वाई जो टर्म्स हैं जो कि कॉर्नर के, ठीक है ना, लास्ट वाले टर्म्स हैं, उनको हम एक्सट्रीम्स बुलाते हैं। अफकोर्स एक्सट्रीमम टर्म है वो, लास्ट के टर्म है इसलिए एक्सट्रीमम बुलाते हैं उनको। और जो बीच के टर्म्स है बी एंड एक्स, उनको क्या बुलाते हैं, मीन टर्म्स बुलाते हैं, ठीक है। ये भी दिख रहा होगा कि आपको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या आएगा, एक्सट्रीम आएगा, दैट इज ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स। सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा ये रिजल्ट। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड एज रूट एक्स वाई। ये आपका जीपी का जो कंसेप्ट है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि अगर मैं एक्स वाई और बीच में कुछ बी लेता हूँ, अगर ये जीपी में है तो माई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स वाई, तो बी कितना हो जाएगा, रूट एक्स वाई, वेयर बी इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक मीन। तो वैसा ही कंसेप्ट है, मीन प्रोपोर्शन बुलाते हैं बी को। थर्ड प्रोपोर्शन देखो, अगर पी इज टू क्यू एन, क्यू इज टू एस है, तो एस इज कॉल्ड एज अ थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड है इसलिए। एंड फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब यू इज टू वी है एंड एक्स इज टू वाई, देन वाई इज कॉल्ड एज अ फोर्थ प्रोपोर्शन। सिंपल सा कंसेप्ट है, आगे चलते हैं अभी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है इसमें। अगर मैं लिख रहा हूँ कि मेरा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, एक्स इज टू ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर, देखो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स इज टू वाई इज ग्रेटर देन ए इज टू बी, इस दिस मीन्स दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन ए अपॉन बी। अगर आप इनको एक्सचेंज भी करते हो ना, देखो बी अपॉन वाई इज ग्रेटर देन वाई, बी अपॉन वाई इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स। मतलब इनको एक्सचेंज भी करते हो तो आपका इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता, इट विल बी द सेम। क्लियर है, ये हुआ कंपेरिजन ऑफ टू रेशियो। उसके बाद प्रपोर्शन की ये बात जो की थी हमने, ऊपर ही लिखा था हमने कि बी इंटू सी जो है, अगर मैं ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी लिखता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज़ करते हैं, इसलिए हमने वापस एक बार देख लिया उसको। आगे चलते हैं, उसके बाद वेरिएशंस की बात की है, ठीक है। तो पहली चीज़ बोला है उन्होंने कि अगर मैं ए इज इक्वल टू के बी लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी हुआ, ठीक है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, विच मीन्स ए बी इंक्रीजेस तो ए इंक्रीजेस। ये वैसे भी बोल सकते कि ए इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, पर जनरली हम अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी लिखते हैं तो बी जो आपका इंडिपेंडेंट होता है, जो कि हम चूज करते हैं, और आपका ए क्या बन जाता है, डिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। तो बी के ए क्या बन जाता है आपका, डिपेंडेंट हो जाता है। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब क्या हो रहा है, एज बी इंक्रीजेस ए इंक्रीजेस, और के इज क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। के आ जाता है आपका प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट,
कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है, इसलिए हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर मैं उल्टा लिख रहा हूँ, बी मतलब ऐसा लिख रहा हूँ कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ये 1/b हो जाएगा। इस केस में ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है, के हो जाता है। इसमें आपको भी पता है आपका बी इंक्रीज होता है तो ए क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। इफ बी इंक्रीजेस ए डिक्रीजेस, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ देख लीजिए यहाँ तक। फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो ये वाला जो फिफ्थ वन बोला है यहाँ पे, देखो ये फिफ्थ वाला भी एक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट के लिए आपको काम में आएगा। यहाँ पे क्या गिवन है, फिफ्थ वाला जो रिजल्ट है ये क्या गिवन है आपको ध्यान दीजिए। अगर आपको बोला है कि एम एन एस टू यन इज इक्वल टू ए इज टू एक्स दिया है, ठीक है, उसके बाद एन एस टू पी इज इक्वल टू आपको बी अपॉन वाई दिया हुआ है, एंड पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्या दिया है, सी अपॉन जेड दिया हुआ है, एंड उसके बाद लास्ट में पी अपॉन क्यू सी इज टू जेड दिया हुआ है, ये तीन ही दिया है। तो उन्होंने पूछा है कि एम एन एस टू एन एस टू पी इज टू क्यू कितना आएगा, एम एन एस टू यन एस टू पी इज टू क्यू कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर सेम करना है तो इस साइड का भी सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक से यहाँ पे बी है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। तो ये इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड दिस रेशियो, क्लियर है। तो उन्होंने एक ट्रिक बताई हुई है कि जो टर्म्स दिए आपको, देखो जो न्यूमरेटर के टर्म्स हैं ए बी एंड सी, इस साइड में लिख दो। जो आपके टर्म डिनोमेटर के टर्म्स है एक्स वाई एंड जेड, इस साइड में लिख दो। तो आपका यम क्या हो जाएगा, उन्होंने सीधा बोला यम हो जाएगा आपका ए बी सी। आपका जो क्यू है लास्ट वाला टर्म, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी बीच में क्या बचा हुआ है, ये यन एंड पी, तो यन के लिए बोला देखो उन्होंने एक्स बी सी, ये एक्स के साथ क्या लेना है, बी एंड सी लेना है। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स बी सी, और आपका जो वाई सॉरी यहाँ पे जो पी है, पी के लिए क्या लेना है, उन्होंने देखो ये ग्रीन वाला बोला है, ये एक्स मतलब ये क्या लेना है आपका जो सी के साथ क्या लेना है, ये देखो ग्रीन वाई एक्स वाई एंड सी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई सी। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, एक क्वेश्चन लेके एक को एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ तो आप समझ जाओगे। तो स्टूडेंट्स हम इस पे एक ऊपर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे आपको दिया देखो एम एन एस टू एन दिया हुआ है, टू एस टू थ्री दिया हुआ है मान लो, ठीक है। उसके बाद आपको एन एस टू पी दिया हुआ है कुछ, फाइव एस टू कुछ सिक्स लिख देते हैं, ठीक है। और आपको लास्ट में क्या गिवन है, लास्ट में क्या गिवन है, पी एस टू, लास्ट में क्या गिवन है आपको, पी एस टू क्यू गिवन है, ठीक है। वो ले लीजिए आप कुछ सेवन एस टू थ्री, ठीक है, सेवन एस टू क्या लेते हैं, तो थ्री या टू ले लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आता है, सेवन एस टू टू। तो देखो ये क्या हुआ, देखो आपका ये जो न्यूमरेटर के टर्म्स है आपको इस साइड में लिख देने, न्यूमरेटर के टर्म्स क्या आ रहा है आपके टू, उसके बाद फाइव, एंड उसके बाद क्या आ रहा है सेवन। जो डिनोमेटर के टर्म क्या है आपके थ्री सिक्स एंड टू, इस साइड में लिख देना है। आपको निकालना क्या है इसमें, एम एस टू एन एस टू पी एस टू क्यू, ठीक है। तो देखो आपका जो यम है वो सीधा सीधा क्या आएगा आपका, फाइव टू इंटू फाइव इंटू सेवन आ जाएगा। आपका जो क्यू है वो क्यू क्या आ जाएगा आपका, थ्री इंटू सिक्स इंटू टू आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट के दो टर्म्स हो गए, अभी बचा क्या है बीच में, एन एंड पी। तो एन के लिए देखो क्या बताया था हमने, एन जो है ना आपका ये वाला थर्ड वाला, तो ये क्या बताया था, एक्स बी सी, मतलब ये वाला टर्म किसके साथ लेना है, इन दोनों टर्म्स के साथ, ठीक है। तो आपको क्या आएगा यहाँ पे, थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, और लास्ट में क्या बताया था आपका, जो थर्ड वाला टर्म है ना वो क्या आ जाएगा, एक्स वाई सी हो जाएगा, मतलब ये या एक्स वाई सी, ठीक है। तो सी के साथ एक्स वाई लेना है, मतलब इन दोनों टर्म्स ये, और उसके साथ क्या आ जाएंगे, ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आप, सेवन इंटू थ्री इंटू सिक्स, इसका मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर रहेगा दैट इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन लेके हमने यहाँ पे एक एक्सप्लेन कर दिया है, आगे चलते हैं अभी अगले टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन दिया आपको देखो, इफ रुपीज 1050 इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स, आप इतना जो अमाउंट है उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्रोपोर्शनल टू 1:3, 3:4 एंड 4:6, तीन प्रोपोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, देन व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट। देखो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे आपको तो एग्जाम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, फर्स्ट थिंग जो रहेगी आपकी, आपको क्या करना है, इसको सिंपल रेशियो में लिखना है। क्या लिखना है, सिंपल रेशियो में, ठीक है। तो सिंपल रेशियो की बात करते हैं अभी, फर्स्ट सिंपल रेशियो में लिखना है। तो सिंपल रेशियो क्या होता है, देखो सिंपल रेशियो मतलब क्या है कि आपको इसको होल नंबर में या नेचुरल नंबर्स में लेके जाना है। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया है, 1/3, 3:4 और क्या दिया है, 4:6 दिया हुआ है। जो भी आपके डिनोमेटर में डिनोमेटर के टर्म्स, उनका क्या निकालो, एलसीएम फाइंड आउट करो। देखो आप एलसीएम मतलब दो चीज़ें होती है, एक तो एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो आप वो फाइंड कर सकते हो, या बेटर क्या होता है आपका, अगर आप एलसीएम का कंसेप्ट अच्छे से पता नहीं है, आप सीधा क्या कर सकते हो कि जो डिनोमेटर के टर्म्स है दैट इज़ अ 3:4:6, उनका मल्टीप्लीकेशन ले सकते हो। तो ये हो जाएगा 4 12 इंटू सिक्स,
तो इस केस में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72। जो आपका एलसीएम मिला है ना, उससे क्या कर दो, सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72/3 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे 72/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, या इज टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका नेक्स्ट वन, 3/4 × 72 इज टू, लास्ट में क्या आएगा, 4/6 × 72। पूरे कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला टर्म आएगा आपका, यहाँ पे 3 1 3 2 जा, और कितना हो जाएगा, 3 4 जा, ठीक है, 3 2 जा 3 2 जा 6, और लास्ट में कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो 3 4 जा, 24 बच रहा है। यहाँ पे कितना आएगा, 4 4 1 जा और 4 8 जा, यहाँ पे 54 हो जाएगा, और लास्ट में कितना आ जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ठीक है। अभी और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते, आप आपके हिसाब से, अगर सीधा यही रखना है तो ठीक है। और आप भी इसमें देखो, अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, और 6 से और डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो और हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सिंपलेस्ट रेशियो मिला है, मतलब इसके आगे नहीं जा सकते, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज होके क्या होगा, आपका जो अमाउंट था 1050, इट इज डिवाइडेड इंटू 4:9:8, सिंपल बन गया अभी आपका क्वेश्चन। तो आपको, आप इसे सीधा क्या लिख सकते हैं, 4x+9x+8x इज इक्वल टू कितना है आपका, 1050। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं अभी, 4x+9x+8x कितना हो जाएगा आपका, ये 9 + 8 कितना हुआ आपका, टोटल 17 I think, बराबर ना, 21x इज इक्वल टू 1050 हो रहा है, और 21 5 कितना होता है, ये x कितना मिला आपको, 50 मिला। तो आपका जो ए का, देखो यहाँ पे तीन अमाउंट्स थे ना, तो फर्स्ट पार्ट क्या आपका 4 है, फर्स्ट पार्ट कितना है, 4x है आपका, तो 4x जो फर्स्ट पार्ट है, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x आपका 50 है, तो कितना अमाउंट हो रहा है आपका, 200, जो कि ऑप्शन आई थिंक सी गिवन है, ठीक है, ऑप्शन क्या गिवन है आपका, सी। क्लियर है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपलेस्ट रेशियो बनाना आना चाहिए, सिंपल रेशियो बनाना आना चाहिए। जो भी आपको फ्रैक्शन में गिवन है, ये वाला आपको ये वाले और ये वाले टाइप में कन्वर्ट करता आना चाहिए, ठीक है। इस दोनों टाइप में अगर कन्वर्ट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखो, इन अ मिक्सचर ऑफ 30 लीटर्स, इन अ मिक्सचर ऑफ 30 लीटर्स, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2। उन्होंने रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। 3 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो 3 लीटर्स मिक्सचर से उन्होंने माइनस किया, ठीक है ना, मिक्सचर से निकाला हुआ है, एंड रिप्लेस बाय 3 लीटर ऑफ मिल्क, तो मिल्क से रिप्लेस किया, ठीक है, बाद में देखते कैसे कर सकते हैं उसको। देन वॉट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यूली फॉर्म मिक्सचर, तो जो न्यू मिक्सचर मिलेगा आपको, न्यू मिक्सचर, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। अभी सिंपल सी चीज़ ऐसी कि इनिशियली कितना हुआ, हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3:2 है, तो हम 3x और 2x लेके हम 13 लीटर्स में ऐड करके आराम से मिल्क एंड वाटर निकाल सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि देखो, 13 लीटर में जो रेशियो आएगा, जो रेशियो 13 लीटर में 3:2 रेशियो बराबर है, उसमें से अगर हम 3 लीटर निकालते हैं, 4 लीटर मिक्सचर से निकालते हैं, या 10 लीटर भी निकालते हैं, कितना भी निकालते हैं, तो रेशियो विल बी द सेम, अमाउंट चेंज होगी, ऑफकोर्स मिल्क एंड वाटर की अमाउंट क्या होगी, चेंज होगी, बट जो रेशियो रहेगा मिल्स टू वाटर, वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, समझ में आया। वो 13 लीटर में भी सेम रहेगा, और अगर उसमें से कुछ मिक्सचर निकाल भी लेते तो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, 3 लीटर्स रिप्लेस किया, तो 13 लीटर में रेशियो 3:2 था, देन फॉर 10 लीटर्स रेशियो क्या रहेगा आपका, 3:2 ही रहेगा, ठीक है। तो आपका मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो कितना है, 3:2 है, तो सेम इसलिए 3x आपका क्या रहेगा, इसमें इक्वल टू अगर के लिए लेता हूँ तो मिल्क आपका 3x है और वाटर आपका 2x है, तो दोनों मिला के कितना आ रहा है, 10 लीटर है, ठीक है ना, 10 लीटर। तो ऑफकोर्स ये कितना हुआ, 5x = 10, मतलब x कितना हुआ आपका, 2 आया। तो इनिशियली मतलब जो 3 लीटर्स जब निकाला आपने, 3 लीटर्स निकालने के बाद आपका जो मिल्क है, मिल्क कितना आपका, 2 3 6, एंड वाटर कितना आपका, 4 है, वाटर कितना आपका अभी, 4 लीटर है। अभी उन्होंने क्या किया है कि 3 लीटर्स रिप्लेस बाय मिल्क है, मतलब जो मिल्क 6 लीटर था 10 लीटर में, उसमें और 3 लीटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, न्यूली एडेड है, ठीक है। तो अभी नाउ एट दिस पोजिशन, नाउ मिल्क कितना आपका, 9 है, और वाटर तो सेम है, तो उनका रेशियो कितना होगा, 9:4। अभी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 9:4, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रुपीज 1170
इज डिवाइडेड सो दैट फोर टाइम्स ऑफ फर्स्ट शेयर, थ्राइस द सेकंड शेयर एंड थ्राइस द थर्ड शेयर अमाउंट टू द सेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड शेयर। ओके, उन्होंने बोला कि A1170 जो है तीन शेयर्स में डिवाइड किया। मान लो पहला शेयर ए में है, ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, शेयर्स मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, सेकंड पार्ट बी है और थर्ड पार्ट सी है। तो देखो अभी कंडीशंस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर टाइम्स ऑफ फर्स्ट शेयर मतलब फोर टाइम्स ऑफ फर्स्ट शेयर को तो हमने ए माना था, ठीक है, सेकंड शेयर को हमने बी माना है, और आपका जो थर्ड शेयर है इसको हमने सी माना हुआ है। तो फोर टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, फोर टाइम्स ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ अ सेकंड शेयर, दैट इज अ थ्री टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बोला, ट्वाइस ऑफ थर्ड, ट्वाइस ऑफ थर्ड दैट इज अ टू ऑफ सी, ठीक है। और एक इक्वेशन क्या बनेगा आपका कि ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका वो क्या रहेगा, 1170। ये एक इक्वेशन मिला और एक सेकंड कंडीशन है। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड शेयर, मतलब क्या पूछा, सी की वैल्यू पूछी उन्होंने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। ये सिंपल हमने क्वेश्चन बना लिया। अभी सॉल्व कैसे करना है, देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो पहली चीज ये है कि आपको सी ढूंढना है, ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी। तो इक्वेशन भी आपके पास और ये सेकंड इक्वेशन है, तो आप ये इस इक्वेशन का यूज करके, जिस सेकंड इक्वेशन का यूज करके आप ए एंड बी को क्या लिख सकते हो, सी के टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे देखो आपका फर्स्ट क्या है, 4A इज इक्वल टू 2C है, तो मेरा ए क्या हो जाएगा, सी अपॉन टू हो जाएगा, एंड 3B इज इक्वल टू 2C है, तो बी कितना हो जाएगा, 2C बाय 3 हो जाएगा। इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर, तो मेरा ए की जगह क्या आ जाएगा, सी अपॉन टू। देखो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सी बाय टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की जगह 2C/3 प्लस सी वैसे ही रहेगा और वहाँ पे 1170 हुआ। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ या एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3C+4C+6C इज इक्वल टू कितना है, 1170 × 6। तो ये टोटल ऐड करके कितना हुआ, 7C+6C मतलब 13C इक्वल टू 1170 × 6, तो 13 9 का पता है 117 होता है, तो ये 90 आया। तो सी कितना आ रहा है मेरा, 540। तो आपको सी सीधा सीधा मिल रहा है, सी कितना मिला, 540। तो आंसर आई थिंक आपका डी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया तो आप जो फाइंड आउट करना है, अगर यहाँ पे उन्होंने ये बोला होता कि व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, तो आप क्या कर लेते हैं, सी बी एंड सी को ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बी एंड सी को ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट क्या हो जाता है, अगर देखो आपने उल्टा यहाँ पे ए में करके आप यहाँ पे ए फाइंड आउट करते हैं, फिर ए को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फिर आप सी फाइंड आउट करते, तो आपका काम बढ़ जाता है, आपको काम कम करना है, ठीक है। एग्जाम में आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है, तो आपको जितना टाइम सेव कर सकते हो, आपके हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो जितना टाइम सेव कर सकते हो उतना बेटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी प्लस सी या ए बी सी हैव 500 रुपीज, ठीक है, तो ए एंड सी टुगेदर हैव, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के मिलकर कितने रुपीज है उनके पास, 500 रुपीज है। उसमें से ए एंड सी टुगेदर, ए एंड सी टुगेदर जो है 200 है, एंड बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर कितने, 350। तो हाउ मच डज सी है, ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसमें आप डायरेक्टली मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, जैसे तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। मान लो ये सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू 550, एंड जो ये ऊपर वाला इक्वेशन उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट वाला, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 500। तो आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका ए गेट कैंसल, बी बी गेट कैंसल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 50। तो सी कितना मिल रहा है, 50। तो उन्होंने हाउ मच डज सी है, तो वही पूछा है उन्होंने, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन बोला है कि मिक्सचर कंटेंस अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 7:5, अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 7:5, इफ 8 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द रेशियो बिकम 7:9। अभी इनिशियली मान लो अल्कोहल ए था और वाटर क्या था, डब्ल्यू था, तो आपका क्या है, नया इक्वेशन में क्या हो रहा है, ए प्लस 8 डिवाइड बाई डब्ल्यू तो सेम ही था, उन्होंने 8 लीटर्स ऑफ वाटर, ओके वाटर ऐड किया यहाँ पे, ठीक है, अल्कोहल सेम है, बस यहाँ पे उन्होंने क्या चेंज किया है, अल्कोहल सेम था, वाटर में कितना किया है, 8 लीटर ऐड किया है, तो अभी कितना हो रहा है तुम्हारा, 7:9 रेशियो हो रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो दो इक्वेशन है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड। जब ऐसे टाइप में इक्वेशंस आते हैं ना कि रेशियो में ए अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन डब्ल्यू प्लस 8, तो एक दो चीज़ें, एक तो इसको आप क्या कर लो, साइमल्टेनियस कॉल करके दो इक्वेशन बना लो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या सीधा सीधा उनका रेशियो ले लो, मतलब इक्वेशन टू या इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू कर दो, ये ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी इसमें कैंसिल हो जाती है। जैसे ए अपॉन डब्ल्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन डब्ल्यू प्लस 8,
उस साइड में क्या हो जाएगा, 7/5 / क्या आ जाएगा, 7/9। तो इसको ऐसे टाइप के कैलकुलेशन में देखो, जो भी डिवाइड होता है ऊपर जाके रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये a अपॉन w इंटू क्या हो जाएगा, w प्लस 8/a इक्वल्स टू 7/5 इंटू कितना हो जाएगा, 9/7। ठीक है ना, तो देखो आपका a गेट कैंसिल है, 7/7 गेट कैंसिल, तो आपका इक्वेशन क्या मिल रहा है, w प्लस 8/w इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पे 7/7 कैंसिल था, 9/5। तो सॉल्व कर लेते इस इक्वेशन को, तो 5w प्लस 4t इज इक्वल टू 9w। तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, 4w इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 4w इज इक्वल टू 4t, तो w कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो इनिशियली कितना था, वाटर 10 था, इनिशियली वाटर 10 था, तो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। तो वाटर इनिशियली अगर 10 था, इधर सब्सिट्यूट कर देता इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप सब्सिट्यूट करते हो तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, a अपॉन 10 इज इक्वल टू 7/5, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 10/5, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी गिवन है यहाँ पे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ पूजा, हेमा एंड जया टेकन टुगेदर इज 46,000 है। तीनों का जो यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है ना, एनुअल इनकम बोला हुआ है, पूजा का, हेमा का एंड जया का। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पूजा प्लस हेमा प्लस जया, इनका जो इनकम है दैट इज 46,000। पूजा स्पेंड 70% ऑफ हर इनकम, हेमा स्पेंड्स, पूजा जो है 70% स्पेंड कर रही है, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, 70% स्पेंड कर रही है, हेमा स्पेंड्स 80% एंड जया स्पेंड्स 92%। ये उनका क्या स्पेंडिंग्स है, ये उनके स्पेंडिंग्स है, मतलब इतने वो खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे क्या बोला हुआ है कि द देयर एनुअल सेविंग्स आर, जो रेशियो गिवन है इट इज़ फॉर सेविंग्स गिवन है, बट आपको दिया क्या है, स्पेंडिंग दिया हुआ है, तो आपका इसका रेशियो कुछ काम का नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इस केस में क्या करेंगे हम, आपको आपको सेविंग्स चाहिए, तो 70% अगर आपका स्पेंडिंग है तो 30% क्या रहेगा आपका, फॉर सेविंग रहेगा, सेविंग क्या रहेगा, 30%, यहाँ पे कितना रहेगा, 20%, और यहाँ पे कितना रहेगा, 0.8% रहेगा ओनली। ठीक है, वो बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना रहेगा, 8%। तो फाइंड देयर एनुअल सेविंग्स ऑफ पूजा पूछा है, ठीक है, वो बात कर लेते हैं। अभी देखो पूजा का जो सेविंग है वो कितना हो रहा है, 0.3%, 0.3 ऑफ पी, ठीक है, ये किसका, पूजा का सेविंग है, इट्स 0.2 ऑफ एच, इज 0.8 ऑफ 0.08 ऑफ जे। ठीक है, इनका क्या लिया मैंने, सेविंग्स का ये लिया हुआ, पूजा का सेविंग कितना, 30% है, मतलब पूजा की सैलरी अगर पी है तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। हेमा का सैलरी जितना है एच है तो उसका कितना हो जाएगा, 0.2 H हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना दिया है, 15:LN:10 दिया हुआ है। आपको ये चीज़ पता होगा कि अगर मेरा A:B:C है, X:Y:Z है, तो आई कैन राइट एज ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन जेड इक्वल्स टू, आप कुछ के लिख सकते हैं, इसमें भी वैसे ही करेंगे, 0.3 P/15 इज इक्वल टू 0.2 H/11 इज इक्वल टू 0.08 ऑफ जे अपॉन 10 इक्वल्स टू के ले लेते कुछ, तो सिंप्लीफाई करके आपका पी कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन देख लीजिए आप बाद में यहाँ पे, 150 K/3, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करके आपका 50 K हो जाएगा। ठीक है, मैं पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला आपका जो एच होगा वो कितना हो जाएगा, 55 K हो जाएगा वैसे ही, एंड जो जे आएगा आपका वो आपको 1000/8 मतलब 125 K हो जाएगा। तो आपको सबकी सैलरी पता है, यहाँ पे एक इक्वेशन भी दिया हुआ है कि पी प्लस एच प्लस जे है इक्वल्स टू कितना है, 46,000 इक्वल्स टू कितना है, 46,000। तो ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 50 K प्लस 55 K प्लस 125 K, तो ये दोनों मिला के तो 105 हो जाएगा, और ये 100, तो टोटल 130 K हो रहा है, आई थिंक बराबर है, तो 130 K आ रहा है, तो 130 K इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 46,000। 10 तो वही कैंसिल हुआ, तो ये कितना हुआ, 200 आ रहा है, K कितना आ रहा है आपका, 200 आ रहा है। ठीक है, K कितना आ रहा है आपका, 200। तो आपको क्या चाहिए, एनुअल सेविंग ऑफ पूजा, पूजा का तो 50 K बोला हुआ है, तो P कितना हो जाएगा आपका, 50 × 200 दैट इज 10,000। ठीक है, तो पूजा का जो इनकम है एनुअल वो हो रहा है आपका 10,000, जो कि ऑप्शन ए गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन दिया आपको, अ मैन हिज वाइफ एंड डॉटर वर्क इन अ गार्डन, द मैन वर्क फॉर 3 days। ठीक है, पर्सन कितने दिनों के लिए काम कर रहा है, 3 days के लिए, हिज वाइफ वर्क फॉर 2 days और डॉटर वर्क फॉर 4 days।
द रेशो ऑफ डेली वेजेस फॉर मैन टू वुमन, ध्यान दीजिए आप, मैन टू वुमन के जो डेली वेजेस का जो रेशो है वो दिया तुम्हें 5:4, एंड द रेशो ऑफ मैन टू डॉटर, तो मैन टू डॉटर का जो रेशो है वो दिया तुम्हें 5:3। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी दी है कि मैन का जो रेशो 5:5 कॉमन रखा है, मतलब 5:5 कॉमन रखा है, तो इसको मैन इज टू वुमेन इज टू डॉटर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 5:4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक रेशो है। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, इफ देयर टोटल अर्निंग इज माउंटेड इज 105, तो उन्होंने जो जितने दिन उन्होंने काम किया उसका जो अर्निंग हो रहा है टोटल, अर्निंग जो है टोटल इज 105 रुपीज, 105 रुपये दिए। देन फाइंड द डेली वेज ऑफ द डॉटर, तो डॉटर का डेली का इनकम आपको फाइंड आउट करना है। बट देखो यहाँ पे भी हर एक का इनकम अलग है, मतलब इनकम का रेशियो अलग है, और उन्होंने जो काम किया हर दिन के लिए वो भी अलग है। तो ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, देयर डेली अर्निंग जो है उनके, ये क्या कौन से रेशियो में, 5:4:3 के रेशियो में यही दिया उन्होंने। तो डेली वेजेस का जो रेशियो है, डेली वेजेस रेशियो इज 5:4:3 है, तो डेली वेजेस ऑफ डेली, ठीक है, तीनों के डेली वेजेस कंसिडर कर लेते हैं, डेली वेजेस ऑफ मैन इज कितना होगा फिर 5x होगा, वही वुमन का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और वही डॉटर का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अगर मैं x लेता हूँ क्वांटिटी, या k ले लो आप जो आपको ठीक लगे, 5x ले लो, x ले लो या k ले लो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये दोनों के इनका हर किसी का डेली वेजेस दिया हुआ है। अभी मैन जो कितने दिनों के लिए काम कर रहा है यहाँ पे, मैन वर्क्स फॉर 3 डेज, तो इन थ्री डेज मैंस का कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। वही वुमन कितने, वुमन ने कितने दिन के लिए काम किया 2 डेज के लिए, उसकी वाइफ ने 2 दिन के लिए काम किया तो 8x हो जाएगा, और डॉटर ने कितने दिनों के लिए 4 दिनों के लिए काम किया, तो ये कितना हो जाएगा डॉटर का 4 डेज का हो जाएगा 12x। ठीक है, तो ये टोटल हर एक का वेजेस है, इसका 3 डेज का, इसका 2 डेज का, और इसका 4 डेज का, मिला के कितना हो रहा है 105। इफ़ यू ऐड देन ये कितना हो रहा है, आई थिंक 35x हो रहा है, इज इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जो डॉटर है उसका, डॉटर जो है उसका वेजेस तो हमने निकाला था 4 दिन का, जो कि कितना आया था 12x आया था, एक्स इज यूर 3, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x कितना आ रहा है 3 आ रहा है। देन द डेली वेजेस ऑफ डॉटर, तो दिन का ही पूछा है उन्होंने, तो डेली वेजेस ऑफ डॉटर इज 3x था। ठीक है, उन्होंने 4 दिन का नहीं पूछा है, उन्होंने डेली वेज पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको 3x मतलब 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो मिस्टेक मत कीजिए, तो ऑप्शन वैसे भी मतलब आता ही नहीं ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अमित राजू राम एग्रीज टू पे देयर टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द प्रोपोर्शन 3:4:5। ठीक है, राम, राजू, अमित भी है ना स्टार्टिंग में, ठीक है, अमित, राजू एंड राम, ठीक है, राजू को आरजे लेते हैं और राम को आरए लेते हैं। ठीक है, तो उनका जो रेशियो वो कितना दिया आपको, 3:4:5 दिया हुआ है। ठीक है, नाउ फर्स्ट डे बिल्स इज 50 रुपीज, अमित पे कितना कर रहा है 50 रुपीज कर रहा है, राजू पे सेकंड डेज बिल इज 55 रुपीज, एंड राम पे थर्ड डे बिल्स इज 75। अभी अमित पे कर रहा है आपका 50 रुपीज, राजू पे कर रहा है 55 रुपीज, एंड राम जो है पे कर रहा है, राम पे कर रहा है 75 रुपीज़। तो टोटल तीनों के, तीनों ने मिलकर कितना पे करते हैं वो फाइंड आउट करते पहले। ठीक है, ये 1 आएगा, ये 18 हो जाएगा, तो 180 रुपीज़ तीनों ने मिलकर फाइंड यहाँ पे किया हुआ है। हाउ मच अमाउंट शुड अमित पे टू द सेटल द अकाउंट, तो अमित ने, हाउ मच अमित शुड पे टू द सेटल द अकाउंट, पहली चीज़ तो उन्होंने किसको पे करना है वो नहीं बोला हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है, अभी 3:4:5 है, मतलब क्या है, 3x प्लस 4x प्लस 5x होना चाहिए था, जो कि देखो अमित को कितना पे करना है 3x पे करना है, राजू को कितना पे करना है 4x, और राम को कितना पे करना है 5x, इक्वल्स टू कितना होगा 180 रुपीज़। इफ यू ऐड देम ये कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 12, 6 × 3 = 30, 6 × 2 = तो 15 रुपीज़ हो रहा है, x कितना हो रहा है 15 रुपीज़। तो अमित का जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, अमित का आ रहा है 15 × 3 = 45। ठीक है, राजू का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 60 रुपीज़ आ रहा है, और जो राम है उसका अमाउंट कितना आ रहा है 75। अभी देखो पे किसने कितना कितना किया है, अमित ने पे किया 50 रुपीज़ है, राजू ने पे किया है 55 रुपीज़ है, और राम ने पे किया 75। तो राम का तो अकाउंट सेटल है, जितना उसको पे करना था उतना उसने सेटल कर दिया है, राजू उनको पे करना था 60 बट उसने पे किया 55,
वही अमित को पे करना था 45, बट उसने पे किया 50 रुपीज़। तो उसको 5 रुपीज़ किसको देने पड़ेंगे? राजू को देने पड़ेंगे, सॉरी राजू को 5 रुपीज़ अमित को देने पड़ेंगे, उल्टा है यहाँ पे। राजू को 5 रुपीज़ किसको देने पड़ेंगे? अमित रूप को, ठीक है। तो अमित को क्या बोला, हाउ मच अमाउंट शुड अमित पे टू सेटल द अकाउंट? अमित ने ऑलरेडी यहाँ पे 5 रुपये एक्स्ट्रा पे किए ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा वैसे, ठीक है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर इसके लिए इतना ही रहेगा आपका। तो अगला जो रहेगा आपका टाइम डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वीडियो का उसमें कवर कर लेंगे। थैंक यू।